मांगे हैं? हमारी मांग यही है कि जो भर्ती ली गई है स्वच्छ, फिजिकल जिस तरह से लिया गया, मेडिकल स्वच्छ रूप से लिया गया है, लेकिन स्वच्छ मेडिकल में बीच में आकर धांधली कर दिया गया। जब प्रकाशित करने का समय आया तो उसमें धांधली हो गई है। इसलिए धांधली हुई कि देखा जाए कि 1164 बच्चे जब फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, मेडिकल दे लेते हैं, उस समय बच्चों को कुछ नहीं बताया जाता कि आप अनफिट हैं या फिट हैं। उसके बाद जब प्रकाशित किया जाता है 1164 में से, तो 266 बच्चों का अनफिट कर दिया जाता, 2011 की बात बता रहे हैं, उसमें अनफिट कर दिया जाता है। 2009 में भी ऐसी स्थिति बताई जाती है कि इतना कलर विजन 138 का, एक सरकार की और ब्यौरा क्या गलती दिया है, जो टंकित किया गया है उसके साथ उस पर क्या होना चाहिए। एक तरफ लिखी जाती है कि नौकनिक वाले को सेवा लेने में कोई प्रावधान नहीं है, उनको मेडिकल टीम से फिर जो कहा था मान्यता प्राप्त कर उनको ज्वाइन किया जाएगा, उसमें कोई व्यवधान नहीं है। लेकिन जब प्रकाशित किया जाता है उसमें नौकनिक वाले का भी प्रकाशित नहीं किया गया है, इसका मतलब क्या है? सरकार क्या चाहती है? अगर आप लोगों की मांगे पूरे नहीं हुई तो क्या करेंगे? फिर आगे हम जो कहा था न्यायालय जाएंगे। सबसे पहले जो कहा जाता हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, अभी जो आप मेडिकल अनफिट की बात बता रहे हैं उसमें बच्चों का नाम आया कि किसका किसका अनफिट, जो उसको छांट दिया गया। लेकिन जब हम कमांडेंट साहब के पास गए मेडिकल के लिए, जब हम कमांडेंट साहब के पास गए होम गृह रक्षा वाहिनी के ऑफिस में, वहां से हुआ कि मेडिकल में जिसका मेडिकल में दिक्कत है उसको छांटा गया है, लेकिन इसको प्रकाशित नहीं किया गया। और भी जिला का देखा जाए, और जिला पर जहां पे लोगों को छांटा गया था उसी दिन उसी ब्यौरा पे उसको नीचे आपत्ति दर्ज करने के लिए हुआ था, री मेडिकल का डेट दिया गया था। हमारे यहाँ जब प्रकाशित नहीं किया गया तो उसको डेट देना चाहिए, तो डेट नहीं दिया गया री मेडिकल का, उसको कौन रखा जा रहा है? मतलब क्या चाहते हैं? जनता, सरकार और अफसर पदाधिकारी के बीच की जनता एक मुख्य कड़ी है, जिसको बीच में लाचार समझकर उसको रगड़ा जा रहा है। आज जनता इसमें पीसती जा रही है। आप लोग मंत्री जी से मिल? हाँ, मंत्री जी से आज शाम को 5 बजे सारे अभ्यर्थी मिलेंगे। 5 बजे का टाइम? टाइम नहीं मिला है, हम गए थे जनता दरबार में, वहाँ जनता दरबार में गए, वो लोग उठ गए थे, डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन जब ऑफिस में गए तो वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑफिस में गए, डीएम ऑफिस में भी गए, एडीएम साहब से मिले, एडीएम साहब थे और कमांडेंट साहब से मिले गृह रक्षा वाहिनी के, वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, कमांडेंट साहब गृह रक्षा वाहिनी के विभाग से है। कमांडेंट साहब कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं, जो भी करेंगे वो डीएम साहब करेंगे। वाह, अभी आप बता रहे हैं कि मेडिकल विभाग में डॉक्टर की लापरवाही की वजह से के कारण हुई है। हाँ, लापरवाही है ये। कितना दौड़ निकाले थे आप? 1600 निकाले हैं, 1600 मीटर 6 मिनट में, 4 फीट जो कहा जाता है कि हाई जंप किया है, जो कि देखा जाए बिहार पुलिस का किसी भी है जो कि उतने ही समय में उतने उम्र में, जो कि आज बच्चे देखा जाए सब लोग 40+ हैं, 40+ वाले जब 6 मिनट में क्वालिफाई हुए उनको कहा जाता है मेडिकल अपन फिट है। वाह, कैसी ये सरकार है, कैसे हमारे पदाधिकारी हैं, जनता को कितना लाचार बनाएगी सरकार और पदाधिकारी। मंत्री जी से आप क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को न्याय मिले, जो सही है उसको किया जाए, ये सारे बच्चे कोई अनफिट नहीं है, इसमें कोई विकलांग नहीं है। आप कैसे कहते हैं कि जो बच्चा दौड़ कर आया उसको कहते हैं कि नौकनीक है, आपका ठेहुना में लड़ रहा है वो गिर रहा है, 1600 का दौड़ निकाला उसको नौकनीक है? वाह,